कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं ये आप सबको अच्छे से पता होगा, थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम खेसारी लाल यादव के जो कोलकाता में स्टेट शो हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। और वहाँ पे छोटे से बड़े सभी भोजपुरी के कलाकार आए हुए थे और वहाँ पे आंडू पांडू भी चिंटू पांडे भी आए हुए थे। तो उनको देख के तो मिर्ची लगा हुआ कि खेसारी लाल यादव का बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया है। तो हम लोग सोच के रखे थे खेसारी लाल यादव को फरिश्ता मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, तो लेकिन खेसारी लाल यादव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला है। तो शायद मूवी आने के बाद मिले, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा 100%, ये बात डन है। खेसारी लाल यादव का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा मूवी आने के बाद, लेकिन मिलेगा। अभी खेसारी लाल यादव का कोलकाता जो शो हुआ था उसमें बेस्ट एक्टर नहीं बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला हुआ था। उसमें जैसे हम सबके खेसारी लाल यादव सबसे फेवरेट और सबसे चहेते स्टार है, तो वैसे ही खेसारी लाल यादव के सबसे चहेते स्टार और फेवरेट स्टार गोविंदा जी भी आए हुए थे। उनके साथ में खेसारी लाल यादव ने ठुमके भी लगाए हैं, आप सब वीडियो में देख सकते हैं। और खेसारी लाल यादव की परफॉर्मेंस को देखकर गोविंदा जी भी ने भावुक हो गए और उन्होंने दो लाइनें खेसारी लाल यादव के बारे में कहा है। और भोजपुरी हमारे भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए जो खेसारी लाल यादव मुहिम छेड़े हैं, जो प्रयास जारी है, उनके बारे में भी खेसारी लाल यादव को गोविंदा जी ने तारीफ किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएँ, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए रखते हैं, bye-bye.